एमटीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका भूपेश शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोई ढालू जमीन पर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं, यानी कि अगर हमारे किसी जमीन पर स्लोप होता है वहां पर हम लोग क्षैतिज दूरी कैसे मापते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज देखने वाले हैं डायरेक्ट मेथड यानी कि सीढ़ी विधि का यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइड को, यानी कि हमारी साइड कैसी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो जमीन है पूरी एक ढालू जमीन है, यानी कि ढालू एरिया है। यहाँ पर अगर हम लोग को हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि अगर देखें तो ऊपर हम लोगों ने एक टॉप पर एक पॉइंट ए मान लिया है, यानी कि यहाँ पर ए पॉइंट है, और यहाँ बॉटम में यानी कि नीचे एक पॉइंट बी मान लिया है, यानी कि ए और बी ये जो दो पॉइंट है इन दोनों के बीच में हम लोग को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने यानी कि निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और बी पॉइंट पर क्या कर लेते हैं, रेंजिंग रॉड की सहायता से लाइन रेंजिंग कर लेते हैं और एक लाइन में कुछ डिस्टेंस पर हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन रेंजिंग हो चुकी है और सामने से अगर हम लोग देखें तो ये जितनी भी रेंजिंग रॉड जो है वो सारी एक ही सीध में है, यानी कि एक ही सामने। तो सबसे पहले अब हम लोग को क्या करना है, जैसे कि ये हमारा जो पॉइंट ए है, ए से हम लोग को ए तक के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो मेजर करने हैं। तो हम लोग चेन की सहायता से कैसे मेजर कर लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारी चेन है, चेन के जो हैंडल है, देखिए अब यहाँ पर ये हैंडल है, इसको हम लोग ऑफसेट रॉड में फंसा सकते हैं और उसको जैसे कि अभी मैं इस टाइप से केवल ओवरली आपको लोगों को समझा देता हूँ, जैसे कि उसके बाद हम लोग को ये जो है, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, ऑफसेट रॉड होगी और पॉइंट तक की डिस्टेंस जो होगी हम लोग देख लेंगे कितनी है। वहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और ये जो लाइन है, ये जो हमारी चेन जो होगी ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए, जस्ट 90 डिग्री पर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से कुछ उठी हुई है लेकिन लगभग ये हमारी हॉरिजॉन्टल में होनी चाहिए। और वहाँ पर हम लोग को यहाँ पर जो ए पॉइंट है वहाँ पर देख लेंगे कि कितनी लिंक कंप्लीट हो चुकी है, यानी कितने डिस्टेंस हो चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारी 6 कड़ियाँ हो गई हैं ए से, वन जो पॉइंट है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 लिंक जो है हो चुके हैं, यानी कि एक लिंक जो है हमारी ये 20 सेंटीमीटर की, क्योंकि हम लोग मेट्रिक चेन यूज कर रहे हैं तो ये हमारी हो गई है 6 लिंक। अब इसके बाद जैसे कि हम लोगों ने ए से 1 तक की डिस्टेंस को मेजर किया, अब हम लोग जैसे कि चेन को लेके आगे आ जाएंगे, यानी कि 1 और 2 जो नीचे है उस पॉइंट पर आ जाते हैं। तो जैसा कि अब हम लोग नीचे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं, तो जो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं वहाँ पर बॉटम, और ये अगर हम लोग यहाँ से ये डिस्टेंस जो लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जितनी भी लिंक होगी हम लोग गिन लेते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर भी हमारी जो एक पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी 6 लिंक है, यानी कि अगर 6 में एक लिंक जो है हमारी 20 सेंटीमीटर की, अगर 6 में 2 का 20 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर दे तो वो जाता है 1.2 मीटर। इसी टाइप से हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि अभी हम लोगों ने जैसे कि ए से 1 पॉइंट लिया, 1 से 2 पॉइंट लिया, अब इसी टाइप से हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा 2 नंबर पॉइंट है उधर से हम लोग 3 नंबर पॉइंट पर जाएंगे, और 3 नंबर पॉइंट से हम लोग 4 नंबर पॉइंट पर जाएंगे, और 4 नंबर से हम लोग का जो लास्ट है 4 के बाद हमारा बी है, बी तक की डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे यानी कि ले लेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जैसे कि हमको ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो जितनी भी डिस्टेंस होगी यानी कि ए से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से बी, इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे और जो हमारा टोटल आएगा वो हमारा ए और बी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी। जैसा कि अब हम लोग यहाँ पर अगर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो हमारा जो है एक ढालू ज़मीन है, यहाँ पर हम लोग को ये जो हमारा पॉइंट ऊपर ए है, ए से लास्ट में जो हमारा पॉइंट नीचे दिख रहा है बी, वहाँ तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करनी थी। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले ए से बी को, यानी कि ये जो पॉइंट ए है और यहाँ लास्ट पॉइंट बी है, ए से बी तक हम लोगों ने क्या कर दी थी, रेंजिंग कर दी थी, और बीच में हमने यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चार पॉइंटों को स्थापित कर दिया था, यानी कि 4 पॉइंटों को ले लिया था। अब यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ए पॉइंट से ये जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, यहाँ पर चेन की मदद से हम लोगों ने इन दोनों पॉइंटों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर की थी। उसके बाद 1 से जो हमारा 2 पॉइंट है, 2 तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, फिर 2 से
जो हमारा दो नंबर पॉइंट है उससे हम लोग तीन नंबर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर तीन से हम लोग को चार नंबर पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी है और फिर चार से बी तक। अब फिर उसके बाद में जैसे कि ये जितने भी हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया था यानी कि डिस्टेंस को मेजरमेंट किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पॉइंट डिस्टेंस आई होगी उन सबको ऐड कर लेते हैं और अब वो जो डिस्टेंस आती है वो हमारी ए से बी तक की जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। मैं आशा करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी यानी कि किसी ढालू जमीन पर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं यानी कि कैसे मापते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।